सुबह की फिजा फिजा। आपसे ही बोल रहे नाजरीन हाजरीन, आपसे नहीं, जो आपके कैमरे के पीछे है ना, उनसे हम बात कर रहे थे कि वाकई इतनी अच्छी बात जो है ना, मुबशीर लुकमान उनके लिए कॉम्प्लीमेंट कहा कि पहला बंदा देखा है जो सूट में जो है कैमरे को हैंडल कर रहे होते, क्या बात है आपकी। जी आओ। अच्छा जी, ये बताइए पहले तो, बल्कि वो दवाइयों पर जो बात कर रहे थे उसका थोड़ा सा जवाब दे दें आगे। बात ये है, पोलियो के ड्रॉप्स जो आ रहे हैं, ये इनमें दो किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाएं उनकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं वो एक्सपायर नहीं है, लेकिन उनको रखने का तरीका है कि उनको फ्रिज में रखना चाहिए। और हमारी हुकूमत जो है वो उनको रेफ्रिजरेट नहीं कर रही। हमारे लिए दफ्तरों में एसी चलाना ज़्यादा ज़रूरी है, दवाइयों के लिए जो फ्रिज इस्तेमाल होते हैं उनके लिए यूपीएस लगाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। तो वो टेम्परेचर से वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जब उनका एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप उनको बच्चों को वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं जिनका रंग चेंज हो रहा होता है, तो उससे बजाते खुद उनको फालिज का खतरा है, पोलियो का खतरा है और मौलिक बीमारियों का खतरा है। और एक केस हुआ है जिसमें अभी एक इंसिडेंट डेथ हो गई एक बच्चे की। तो केयर करें अगर आप पोलियो के खतरे। पहचान कैसे एग्जैक्टली अगर कोई, क्योंकि बिल्कुल आपको पता है पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा। पोलियो का ड्रॉप अगर उसमें जरा सा भी रंग आ रहा हो तो उसको फेंक दे। राइट। और वैसे वो वाइट शीशों में मिलते हैं तो उसमें से चेक किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से है। वालेकुम सलाम। अब्दुल कयूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पेशावर से बात कर रहा हूँ अब्दुल कयूम। जी जी मुझे पता है, खैर से ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। फर्स्ट टाइम मैं किसी टॉक शो में या मॉर्निंग शो में कॉल कर रहा हूँ। मुबशीर लुकमान साहब बैठे हुए सामने बैठे। हाँ, मैं इनसे इनकी बातें सुनकर हमेशा बड़ी मोटिवेट हो जाता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काबुल में होता हूँ लेकिन आजकल पेशावर में हूँ। तो ये कुछ चीजें मुबशीर साहब आपसे डायरेक्टली मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ एंकर हजरात आपकी तरह जो भी दूसरे हजरात है वो टॉक शो में रात को जब आ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इंशाल्लाह कल हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। होता ऐसा नहीं है, इमोशनली हमें ब्लैकमेल किया जाता है और जिस तरह ड्रामे या फिल्म या जिस तरह दूसरे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं इसी तरह टॉक शो की भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और हम ये सोचते हैं कि यार ये मुल्क के साथ हो क्या रहा है, और आपकी आवाज़ और आपकी बात सुनकर थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं। सुबह होती है तो वही सेम मॉर्निंग सेम इवनिंग सेम सिचुएशन, नंबर वन। नंबर टू, आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम मैंने देखे हैं कराची में, मुख्तलिफ जगहों पर आप लोग मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं और आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर ये भी इस मुल्क का हिस्सा है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम नहीं होती? यहाँ औरतों के साथ, बच्चों के साथ, दूसरे हजरात के साथ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स नहीं होती? कभी हमने आपको पेशावर में किसी मौजू के हवाले से नहीं देखा, जो कि मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस भी है। क्योंकि एक सदर साहब की इंटरव्यू थी जो कि मीर साहब कर रहे थे, मीर साहब जब कैपिटल टॉक में आते हैं जब उनके बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मीर साहब सबसे ज्यादा दुश्मन मीर साहब उनके। लेकिन जब उनके साथ सामने बैठ गए तो उसकी जो टाई और सारी चीजें देखने का अंदाज हो गया कि भाई ये जो एंकर हजरात क्या ये अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते? क्योंकि इन लोग मीडिया और चीफ जस्टिस ये दो चीजों को बड़ा आजकल हम काउंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी, कोई मसले का हल कहीं किसी के पास भी नहीं है। लेकिन आप हजरात और चीफ जस्टिस हजरात इनसे थोड़ी सी उम्मीदें बनी हुई है। लेकिन उर्जा साहब ने जब उनसे इंटरव्यू किया तो उसकी वो जो इंटरव्यू हुई वो देखकर मुझे तो बड़ा दुख हुआ है। लेकिन क्या मैं ये दो चीजें आपसे इसके दायरे पूछ रहा था? क्या चीज देख के दुख हुआ जी आपको? उनको इंटरव्यू उसके मतलब अच्छा। जो क्वेश्चन उसको करने चाहिए थे ना, उसने सारी चीजें जो जो मैं जो हमेशा वो टॉक शो में करता है वो उसको बिल्कुल उन्होंने हिडन कर दिया है। वो एक पैरासाइट होता है, फैगोसाइटोसिस सेल्स जो होते हैं वो जो सेल्स को भी, अच्छे सेल्स को भी और बुरे सेल्स को भी कहा जाता है, उन्होंने वो फैगोसाइटोसिस एक्शन कर दिया उस सदर साहब की बातों के साथ। तो मुझे थोड़ा सा ये दो चीजें आपसे डिस्कस की है कि एक तो ये कि आप पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी या भी मसाइल होते हैं और आप लोग जो है ना बड़े मतलब आप, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि आप बड़ा माने रखते हैं खासकर एजुकेटेड लोगों में, कि मुबशीर लुकमान हो या बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इनकी बातें सुनकर हम मोटिवेट हो, यंग जनरेशन खासकर वो बहुत ज्यादा मोटिवेट। अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी बात यह है कि आपने एक्चुअली तीन सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल ये है
जवाब ये है कि नहीं, केपीके पे मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। मसलन आपको बताऊं कि जब सैलाब आया था तो केपीके में ना सिर्फ मैं गया था वहाँ पे, बल्कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हो रहे थे उनके अंदर भी मैंने शिरकत की थी, और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी के साथ। फ़र्क यह है कि आप जहाँ पे बेस्ड होते हैं आपका हल्का अहबाब भी वहाँ पे होता है, और आपका एक दोस्त वगैरह या आपके जानने वाले ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान में फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ ना कि मुझे ज़्यारत के अंदर पता चल जाए कि वहाँ DPO जो है या DCO जो है वो कितने गपले कर रहा है, तो वो इतना आसान काम नहीं होता, और उसके लिए आपको एक जगह पे टाइम लगाना पड़ता है। तो यस वो है, लेकिन 176 एंकर्स हैं। तो आप सलीम साफ़ी साहब हैं, बड़े मेरे फेवरेट एंकर हैं, आप उनको देखें, उन्होंने क्या कभी पंजाब पे प्रोग्राम किया? नहीं, वो KPK पे कर रहे हैं। हर एंकर का एक अपना जॉनरे है, उसकी एक अपना स्फीयर ऑफ स्पेशलिटी है, और वो कोशिश करता है कि वहाँ पे करे। जहाँ तक रह गया पर्सनल बायस या ना होने का, तो प्लीज़ ये मत भूलें कि एंकर्स इसी माशरे का हिस्सा है। ये नहीं हो सकता आइलैंड्स ऑफ गुडनेस के पूरे मुल्क में बुराई है और हम सारे एंकर सिर्फ अच्छे हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। और अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं कभी बायस नहीं हूँ अपने प्रोग्राम में, तो वो भी झूठ होगा। मैं खुद मान रहा हूँ कि होता है, कई बार इंसान होता है, इसको मुझे पता है मैं मानूंगा तो और लोग मुझे आके बुरा भी कहेंगे, अभी फ़ोन करके कहेंगे, बट फैक्ट है कि मैं कम अज़ कम मान रहा हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं, और हम लोग भी सिटीजन्स हैं इसी मुल्क के। और जहाँ तक रह गया सोल्यूशंस की बात, तो हमारी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना जी, वो है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। हम पुलिस नहीं हैं, हम अदालत नहीं हैं, हम लोगों को हथकड़ियाँ नहीं डाल सकते, हम लोगों को जेल नहीं भेज सकते, हम सिर्फ उनको एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन की बात है, तो 60 साल से इस मुल्क में हर आदमी कहता था जाली वोट, जाली वोट। मैंने, मुबशर लुकमान ने सबसे पहले एविडेंस जमा करके मैं सुप्रीम कोर्ट गया, और मैंने 3,71,00,000 जाली वोटों का एविडेंस दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाले। क्या ये एक जिंदगी के लिए काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे ये थोड़ा सा जो है जवाब आप लोगों को मिल भी गया, मगर थोड़ा सा हल्का हाथ रखे, एक एक सवाल ठीक है, उन्होंने सही पूछा है। बात यह है कि कई दफा गुस्सा आता है, खुद भी हमें भी देख के गुस्सा आता है एक दूसरे को कि यार ये क्यों नहीं इससे पूछ रहे, तो वो हमें भी लोग कहते हैं। मुझे, मैं आपको बताती हूँ, मैं कल गई थी HSY की पार्टी पे, ठीक है, तो वहाँ पे जब जब जिससे मिलो तो सबसे पहला सवाल होता है कि कल तुम्हारे गेस्ट कौन है, कल तुम्हारे गेस्ट कौन है, जहाँ पे भी जाओ। तो कल मैंने आपका जिक्र किया, मैंने बताया कि मुबशर लुकमान साहब आ रहे हैं कल प्रोग्राम में, तो काफ़ी लोगों ने कुछ छोटे छोटे मासूम सवाल पूछे, कुछ मेरी सहेलियाँ बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि आपसे पूछा जाए कि आपका जो कोई अगर बेस्ट वज़ीर आज़म पूछूँ कि आपके फेवरेट कौन है, तो ये एक सवाल मुझे दिया गया। उसके अलावा मुझसे बोला गया कि आप अपना मोनोलॉग का सवाल ज़रूर ये रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके शो पे आप के लोगों को बुरी लगी हो कि भाई ये क्यों बोल दिया उन्होंने, या फिर कोई ऐसी बात जो रह गई हो कि आपको बोला हो कि ये क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि व्यूअर्स जब देख रहा होता है यार ये बोल रहे, ये तो बोलना चाहिए था उनको, ये बात जो रह जाती है ना। तो मैंने अपना मोनोलॉग भी आज इसलिए बनाया था, ये एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप बताएंगे कि आपका फेवरेट वजीर आजम कौन है। तो एक छोटा सा वक्फा वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह की फिजा फिजा।